बेटा, हम तुम्हारी माँ हैं और हमेशा रहेंगे। तुम्हारी माँ कहीं नहीं जा रही, लेकिन देखो आज हम तुम्हारे पापा की नई दुल्हन को देखने जा रहे हैं, और अब से वो आपकी नई माँ होगी। अब तो वो भी आपसे प्यार करेगी और हम भी आपसे प्यार करेंगे। अब सब लोग तुमसे खूब प्यार करेंगे और हम तो तुमसे और भी ज्यादा प्यार करेंगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बस मेरे मुन्ने राजा जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी नई माँ को देखने जाना है ना, और सब लोग देखो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसलिए चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, जाओ तुम दोनों जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो सूरज चढ़ जाए तो लौटे में रात हो जाएगी। जाओ जाओ। कटरा नरेश, अबे कहाँ यार, इतना टाइम लगाओ यार। अरे अब भाई चल रहा है कन्या पक्ष के घरे, कन्या देख है ब्याह कौन होता है, जल्दी आबे। ठाकुर साहब ये कहा दे दिया आपने हमें, ये जर्मन का कट्टा, इसकी बनावट तो हमारे समझ में ही नहीं आ रही, और इसको चलाए की बात तो हमारे खोपड़े से दूर की बात है। बकलोल है, बकलोल। अबे ना ये कट्टा ना ना बेटा, हाँ ये जर्मन मॉडल के ये असलहा, हाँ पिस्तौल बोला था, पिस्तौल एक प्लास्टिक करो देखो। दादू दादू। अरे 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 हमारा हमारा पोता है, अरे हमारा पोता है। हम तो तुमका देख के एकदम बहुत खुश हो गए, ठीक है नहीं? देख लो ना हमारे लिए दादाजी। हाँ बिल्कुल, तो हम इसे खेलेंगे। खेलोगे? तो सुनो इका खेलने के लिए ना पहले इसको सीखना पड़ता है, एका चलाओ सीखो। चलो अच्छा हम एक विधि विधान तुमको बताते हैं कैसे चलाई जाती है ना। ये देखो ये तो है पिस्तौल पूरी है, और एमा एक बटन ये है, ये बटन जो है ऐसे दबाओ और ठक ऐसे निकलेगा। एक बोलते हैं बेटा मैगजीन, और मैगजीन जो है इमा ऐसे डाल के और ऐसे। राम जी को 14 साल का वनवास मिला, राम जी सीता जी के साथ जंगल चले गए, और उनके भाई लक्ष्मण ने कहा कि भैया मैं भी साथ चलूंगा। दादी राम जी तो राजा थे ना, फिर जंगल क्यों गए? उन्होंने ना अपने पापा की बात क्यों मानी? दादी हम भी अपनी पापा की बात मानेंगे, लेकिन हमारा पापा का है साला। नहीं चिंकी बेटा, ऐसा नहीं बोलते। चलो आगे कहानी सुनो। कोमल बेटा, अरे बेटा बिजली का बिल भरना है, हमने बताया था ना बेटा। ये बिजली का बिल भरना है, हमने बताया था ना। अरे वाह वाह यार ठाकुर समर प्रताप सिंह, तुम तो यार कमाल दूल्हा लग रहे हो। हमार मन कर रहा है तुम्हारे बाप को यार चल के तुम्हारे ब्याह करा दे, ठीक है ना? अब ठीक है, कहा लगाए क्या है साला? ए घंटी लाल साला कुछ बदबू कर रहा है, कहा गंधा रहा है? गंदा है नहीं रहा है बाबूजी, सेंट मारे हैं, खुशबू आ रही है। लेकिन बेटा तन्मय तो अपने हिस्से का खर्चा महीने की शुरुआत में ही दे देता है, आप उससे कैसे ले सकते हैं बेटे? ससुर जी वो तो बस दो जनों का खाने भर का पैसा देता है ना, और वो तो ही घर का भाड़ा भी नहीं देता है। तो जानते हो कि घर में कितने खर्चे होते हैं, और वैसे भी हम ना सिर्फ ई महीने की बात तो कर रहे हैं, अगर तन में ई महीने के बिजली के बिल का पैसा दे देगा तो ऊपर कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाएगा।
वैसे भी सब तो ई घर में सच जानते हैं कि ई घर का ज्यादातर खर्चा तो आदर्श उठाता है। तो हमसे बहस करने का काम मतलब